रहम्सल डर स्टूडेंट क्लास फोर आई योर मैथ्स क्लास वेलकम ऑनलाइन मैथर ट्रेन ट्रेवल्स वन हंड्रेड फिफ्टीन किलोमीटर इन वन आर एक ट्रेन जो है वो एक सौ पंद्रह किलोमीटर का फासला एक घंटे में तय करती है इट रीच द लास्ट स्टेशन इन नाइन आवर्स नौ घंटे बाद वो आखिरी स्टेशन पर पहुंचता है हाउ फॉर डज इट गो इन नाइन आवर्स उसने नौ घंटों में कितना फासला तय किया यानी अगर एक घंटे में एक सौ पंद्रह है तो नाइन टाइम्स एक सौ पंद्रह एक सौ पंद्रह ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है इफ इट स्टार्ट एट ट्वेल्व नून वन डज इट रीच द लास्ट स्टेशन अगर उसके आ, स्टार्ट का टाइम जो है जिस टाइम उसने अपना सफर शुरू किया वो बारह ए एम था तो उसने अपना सफर कब खत्म किया यानी हमने टाइम बी बताना है तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं तो जल्दी से हम इसका डेटा लिख देते हैं वन आर में ये फासला तय करता है वन फिफ्टीन किलोमीटर नाइन आवर्स में कितना करेगा हम इसको नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे एक सौ पंद्रह किलोमीटर से और स्टार्टिंग टाइम उसका है ट्वेल्व ए एम एंडिंग so, टाइम क्या होगा ट्वेल्व में हम नाइन आवर्स uh, को प्लस करके सेकेंड आंसर मालूम करेंगे सो स्टार्ट ओके सोल्यूशन आर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर के साथ यानी नाइन आर्स एंड वन फिफ्टीन किलोमीटर का फासला जो कि एक घंटे में है सो so, ये नाइन टाइम्स रिपीट होगा तो टोटल कितना फासला बनेगा एक सौ पंद्रह को आप ऊपर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय नाइन अब आपने नाइन का टेबल पढ़ना है या फिर आप फाइव का टेबल नाइन तक पढ़ें ठीक है यानी फाइव का टेबल आपको आता होगा ठीक है फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन क्या आंसर आता है वो आप बताएं फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव ठीक है हमारे पास आता है फोर्टी फाइव तो फाइव हम नीचे लिखेंगे और फोर जो है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा नाइन वन अब नाइन का टेबल वन तक पढ़ेंगे ठीक है नाइन का टेबल फाइव तक पढ़ा अब नाइन का टेबल वन तक नाइन वन जा नाइन नाइन में आप फोर प्लस कर दें क्या आंसर आएगा टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन आ गया थर्टीन अब थ्री जो है हम आंसर में लिखेंगे और वन ऊपर चला जाएगा अगेन नाइन का टेबल वन तक नाइन वन जा नाइन वन प्लस करें तो ये आ जाएगा टेन यानी हमारा फर्स्ट आंसर आ गया वन थाउजेंड थर्टी फाइव ठीक है इसी तरह अगर स्टार्टिंग टाइम उसका ट्वेल्व ए एम है यानी दोपहर के बारह बजे स्टार्ट हुआ तो बारह के बाद गड़ी में दोबारा वन स्टार्ट होता है ठीक है तो उसमें नाइन आवर्स हम प्लस करेंगे तो ये शाम रात के नाइन पी एम पे उसका सफर खत्म होगा आंसर तो टू हमारे पास है नाइन पी एम क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री ट्रक्स कंटेनिंग इक्वल क्रेड्स वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट 3450 थाउजेंड ऑफ जूस कैन इट मींस के तीन ट्रक्स के जरिए 3450 हजार जो के जूस कैंस के हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हाउ मैनी क्रेड्स डिड ईच ट्रक केरी आपने बताना है कि हर एक ट्रक में कितने क्रेड्स होते हैं यानी अगर तीनों में मिलाकर तीन हजार है तो एक ट्रक में कितने होंगे और तीनों ट्रक में इक्वल अमाउंट है इक्वल तादाद है ठीक है सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है इफ़ ईच क्रेट कैन होल्ड सिक्स कैंस अगर हर एक क्रेट में सिक्स सिक्स कैंस हैं यानी सिक्स सिक्स जूस के पैक हैं हाउ मैनी कैंस वर ट्रांसपोर्टेड इन ऑल तो टोटल तो कितने कैंस जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है ठीक है इट मीनस के हमारे पास इस क्वेश्चन में टू पार्ट्स हैं यानी डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन ओके सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टोटल ट्रक्स हमारे पास है थ्री एंड टोटल क्रेट्स हमारे पास है थ्री हजार चार सौ पचास ईस्ट ट्रक हैज हर एक ट्रक में कितने क्रेट्स आते हैं ये हम मालूम करेंगे वन क्रेट हैज सिक्स केन्स एक क्रेट uh, में सिक्स केन्स हैं थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी क्रेड्स में कितने कैंड आएंगे ये हमारा आंसर नंबर टू होगा सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट हम इस क्वेश्चन का पार्ट ए मालूम करते हैं सोल्यूशन टोटल क्रेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रक्स टोटल क्रेट्स हमारे पास थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एंड डिवाइडेड बाई थ्री क्योंकि हमारे पास तीन ट्रक्स हैं तो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी को अंदर लिखेंगे एंड थ्री जो कि हमारा डिवाइजर होता है जिस पर डिवाइड हो रहा है जिसका हम टेबल पढ़ेंगे वो बाहर होगा मेंबर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि डिवीजन हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर आप लोगे थ्री का टेबल पढ़ो कि थ्री आ जाए थ्री वन सा थ्री माइनस हो गया तो यहां पे जीरो आ गया ठीक है ये खत्म हो गया अब नेक्स्ट नंबर फोर थ्री का टेबल पढ़ें कि फोर या फोर से कम आ जाए थ्री टू ज़ा सिक्स आता है इसलिए हम लेंगे थ्री वन ज़ा थ्री फोर माइनस थ्री वन आ गया हमारे पास नेक्स्ट फाइव नीचे आ गया तो ये बन गया फिफ्टीन थ्री का टेबल पढ़ेंगे कि हम हमारा हमारे पास नंबर फिफ्टीन आ जाए तो थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थ्री का टेबल फाइव तक पढ़ने से मुझे फिफ्टीन मिला तो यहाँ पे ये माइनस हुआ और यहाँ पे नीचे जीरो आ गया यानी कुछ नहीं बचा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जीरो है तो जीरो जो है वो आंसर में यानी क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा इसलिए इस तरह हमारा फर्स्ट आंसर बना वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी क्रेट्स इन ईच ट्रक यानी हर एक ट्रक में एक हजार एक सौ पचास क्रेट्स लोड किए जाते हैं ठीक है ओके पार्ट टू हमारे पास है कि 3450 टोटल क्रेट्स हैं और हर क्रेट में सिक्स सिक्स केन्स हैं तो यहाँ पर हम इस नंबर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपने पढ़ना है सिक्स का टेबल ठीक है रफ वर्क में आप सिक्स का टेबल अप, अपने लिए लिख लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करके सिक्स ज़ीरो ज़ीरो सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव सिक्स फाइव जिक्स फाइव जा हमारे पास आता है थर्टी तो ज़ीरो हम लिखेंगे आंसर में और थ्री जो है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा अब सिक्स का टेबल फोर तक सिक्स फोर जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में थ्री प्लस करें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन सेवन नीचे लिखोगे और टू को नेक्स्ट कॉलम में ले जाओगे अब सिक्स का टेबल थ्री तक सिक्स थ्री साटीन एटीन प्लस टू नाइनटीन ट्वेंटी इस तरह से हमारा सेकेंड आंसर बना ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड केन्स ट्रांसपोर्टेड इन ऑल यानी टोटल कितने ट्रांसपोर्ट हुए सात सौ खत्म हो गया है नेक्स्ट पेज पर आप लिखोगे टॉपिक टेबल्स एंड फोकस टेबल ऑफ जीरो यानी नेक्स्ट पेज पर आपने जीरो का टेबल राइट करना है जीरो वन जा जीरो जीरो टू जारो स्टूडेंट्स के जीरो का नंबर जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा इसी तरह आपने अपनी कॉपी में ये टेबल लिखना है एंड नेक्स्ट पेज पर आप लिखोगे टॉपिक टेबल फोकस टेबल ऑफ वन है वन वन जा वन वन टू ज़ा टू वन थ्री ज़ा थ्री वन फोर जा फोर वन फाइव जा फाइव वन सिक्स जा सिक्स वन सेवन जा सेवन वन एट जा एट वन नाइन जा नाइन वन टेन जा टेन ओके okay, यहाँ पर अपना लेक्चर आज का खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर टू स्टार्ट करेंगे टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज